Greetings student, welcome back to my channel in 11th class business study. In this video we are going to start the topic joint venture of unit 3 public private and global enterprises. Student, as you know, business organization, as you have studied earlier, can be of various type, private or government owned or global enterprises. Now any business organization, if it so desires, can join hand with other business organization for mutual benefit. हमने जो business organization form जो अब तक read की थी, private, government owned और global enterprises. Now अब हम joint venture के बारे में जो read करेंगे. Joint venture क्या है? Join hands more than two companies and motive is mutual profit share करना. Mutual जो motive रहेगा दोनों का, और definition जो है बनेगी joint venture की, it refers to the partnership in which company share investment, risk management and profits in the development, production or selling products. राइट स्टूडेंट, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रिस्क होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, मैनेजमेंट होगा, प्रॉफिट होगा, डेवलपमेंट होगी, वो सब शेयर होगा. राइट, टेक्नोलॉजीज भी शेयर होंगी. दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस मे बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन और ए फॉरेन कंपनी, कोई भी हो सकती हैं. मे बी प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट, और मे बी प्राइवेट और या गवर्नमेंट के साथ फॉरेन कंपनी भी हो सकती है. व्हेन टू बिजनेस एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इट गिव्स राइट टू ए ज्वाइंट वेंचर. जब टू बिजनेस एग्री होती हैं बिजनेस को रन करने के लिए, कॉमन पर्पज होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर. बिजनेस इज ऑफ एनी साइज can use joint venture to strengthen long term relationship or to collaborations on short term project. जो businesses होंगे जो इस type से large size पर किए जाएंगे joint venture के through, तो business से क्या होगी, वो organization की power strong होगी, आपस में relationship बनेंगे. और जो short term project के लिए हो सकता है collaboration या other mutual कोई भी benefit जो है प्रोजेक्ट को पूरा करना भी हो सकता है. ए जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी रिक्वायरमेंट. दिस नीड टू बी क्लियरली स्टेटेड इन ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एट ए लार्ज स्टेज. जॉइंट वेंचर क्या है, फ्लेक्सिबल रहेगा, जो एग्रीमेंट बनेगा वो पार्टी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है फ्लेक्सिबल होगा. उसमें जो है पॉइंट स्टेट किए जाएंगे क्लियरली कि जॉइंट वेंचर का ये मोटिव है, ये जो उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करनी है, वट एवर जो पॉइंट होंगे, जैसे हमने पार्टनरशिप डीड में राइट डाउन किए थे इन केस ऑफ पार्टनरशिप में, तो वो सब रिटर्न में होंगे ताकि जो फ्यूचर में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, ताकि जो फ्यूचर में जो उनका वर्क स्मूथली रन अप होता रहे. ए जॉइंट वेंचर मे ऑल्सो बी ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग कंपनी, मीन्स जैसे इंडिया कंपनी किसी फोन कंट्री के साथ जो है जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट करती है, बिजनेस करती हैं दोनों मिलकर, तो उसे जॉइंट वेंचर बोलेंगे. इन दिस केस देयर आर सर्टेन प्रोविजन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द टू कंट्रीज विच विल हैव टू बी एडर्ड टू. कुछ प्रोविजंस फॉलो करने होंगे दोनों कंट्रीज़ को, और तभी वो जॉइंट वेंचर के जो एग्रीमेंट को कंप्लीट करके जो बिजनेस को रन कर सकते हैं. थस वी सी दैट जॉइंट वेंचर में मीन मैनी थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट वी आर यूजिंग इट, बट इन ब्रॉडर सेंस ए जॉइंट वेंचर इज द पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल. अगर हम नॉर्मल जो है लैंग्वेज में बोलें तो जॉइंट वेंचर क्या है, मे बी कुछ थिंग्स को जो है शेयर करने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, डिपेंडिंग करता है कि वो कौन सी जो थिंग्स है. बट अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो जॉइंट वेंचर क्या है, रिसोर्स इकट्ठा करना है,
एक्सपर्टाइज जो नॉलेज है अलग अलग कंट्री के पास, उनको कंबाइन करके बिजनेस को जो है लार्ज स्केल पर करना है और जो पर्टिकुलर गोल उन्होंने जो डिसाइड किया हुआ है वो अचीव करना है, राइट स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है ताकि जो रिस्क होगा या रिवार्ड होगा बिजनेस का वो आपस में शेयर किया जा सके, राइट, कि बिजनेस के रिस्क और रिवार्ड को शेयर करने के लिए वो कंबाइन बिजनेस रन अप करेंगे। बिजनेस का जो रिस्क होगा, रिवॉर्ड मींस जो प्रॉफिट के रूप में जो है इनकम आएगी वो भी आपस में वो शेयर करेंगे। द रीजन क्या रहेगा जॉइंट वेंचर का, कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मेन जो पर्पज क्या है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, लार्ज स्केल पर करना है, डेवलप करना हो न्यू प्रोडक्ट या मूविंग मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में मूव करना हो, कोई भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट। तो जॉइंट वेंचर का मोटिव क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंड करना है मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर करना है। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंग कॉमन फॉर कंपनीज टू क्रिएट जॉइंट वेंचर विद अदर बिजनेस कंपनीज एंड फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस विद दैम। द रीजन फॉर दीज अलायंस मे बी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज, राइट स्टूडेंट। की क्या कहना चाहते हैं कि वो कि जॉइंट वेंचर का पर्पज क्या है, कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जो है औजार बनाना मीन्स एक प्लान्स करना ताकि जो है बिजनेस को आप कॉम्पिटिट कर सको और इंटरनेशनल लेवल तक अपनी जो है असेस बना सको। इस टाइप से टेक्नोलॉजी या फाइनेंस को कंबाइनली जो है कंबाइन करके बिजनेस को रन अप करना, इंटरनेशनल लेवल तक बिजनेस को रन करना। टू और मोर पेरेंट कंपनी एग्री टू शेयर कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क एंड रिवार्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी अंडर शेयर कंट्रोल। कि टू और मोर कंपनी जब मिलती हैं, एग्री होती हैं, कैपिटल शेयर करती हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी, यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्स भी शेयर होगा और जो रिस्क होगा बिजनेस में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, रिवार्ड होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और अंडर कंट्रोल जो बिजनेस को रन अप करेंगे, राइट स्टूडेंट। इन इंडिया जॉइंट वेंचर कंपनीज आर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, देयर आर नो सेपरेट लॉज फॉर द जॉइंट वेंचर्स। बेस्ट फॉर्म है ये जॉइंट वेंचर, इसके लिए कोई सेपरेट लॉज नहीं फुलफिल करना पड़ता और कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडिया में आर ट्रीटेड सेम एज डोमेस्टिक कंपनी। जो भी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया की तो वो क्या ट्रीट की जाती है, डोमेस्टिक कंपनी, राइट स्टूडेंट। एंड द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट वेंचर इज इट रेफर्स टू द पार्टनरशिप इन विच कंपनी शेयर इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्रोडक्ट, राइट। तो इस टाइप से जॉइंट वेंचर किया जाता है। अब ये पर्पज क्या है कि आपस में कंपनी जो मिलकर बिजनेस कर रही हैं, तो कई बार कंपनीज क्या होती हैं, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो फॉरेन कंपनी के साथ इसलिए जो है जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करती है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट का बेनिफिट उठा सके, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक लॉन्च कर सके। सेकेंड, कई बार जो है कंपनीज को ये रियलाइज़ होता है कि अगर वो फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर लेती है तो वहाँ की जो कंट्री के जो मेंबर होंगे उन्हें जो वहाँ प्रोडक्ट सेल करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बिजनेस को रन करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, तो बिजनेस क्या इजली जो है सक्सेस हो जाता है, मीन्स लार्ज साइज तक पहुंच जाता है। तो उन चीज़ों का बेनिफिट करने के लिए, अचीव करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट अचीव करने के लिए जो कंपनीज क्या होती है, फोन कंपनी के साथ जो है जॉइंट वेंचर के थ्रू जो बिजनेस करती हैं। नाउ जॉइंट वेंचर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। फर्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर CJV इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर इन न्यू जॉइंटली ओन एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, दिस इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टूगेदर। कोई नई एंटिटी नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगा, जो पहले से एंटिटी है वो आपस में एग्रीमेंट करेंगी मिलकर बिजनेस करने की।
पार्टीज जो है डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द ज्वाइंट वेंचर। पार्टीज आपस में ओनरशिप जो है शेयर नहीं कर रही हैं, बल्कि क्या करेंगे, जब ज्वाइंट वेंचर डोमेस्टिक कंपनी फोन कंपनी के साथ करती है तो फोन जो कंट्री के मेंबर हैं वो कंपनी को कंट्रोल में करते हैं, अपने कंट्रोल में रन अप करेंगे। ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ ए कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर इज एज फ्रेंचाइज। उस एग्जांपल से पहले जो ज्वाइंट वेंचर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड। एंड इक्विटी बेस्ड मींस पब्लिक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। राइट स्टूडेंट, कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल में कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो आपस में एग्रीमेंट के कॉपरेट मींस आपस में कॉपरेशन मींस एक दूसरे को कॉपरेट करती हुई जो मिक्स होंगी और एग्रीमेंट बनाएंगे और बिजनेस को रन करेंगे। फ्रेंचाइज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जो है ज्वाइंट वेंचर। देयर आर फोर जो है की एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। टू और मोर पार्टीज हैव ए कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग ए बिजनेस वेंचर। टू और मोर पार्टीज जो है कॉमन इंटेंशन को लेकर बिजनेस को रन करेंगी। सेकेंड, ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट्स, जो ईच पार्टी क्या लाएगी, कुछ इनपुट्स लाएगी। थर्ड, बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन दी बिजनेस वेंचर, दोनों पार्टीज का कंट्रोल होगा बिजनेस वेंचर पर। एंड फोर्थ, द रिलेशनशिप इज नॉट ए ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट हैज ए करेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशंस। कि ट्रांजेक्शंस का रिलेशनशिप नहीं होगा, कि ट्रांजेक्शन तक ही रिलेशनशिप है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो आपस में रिलेशन बनाए रखना, ये भी ज्वाइंट वेंचर का जो है पर्पज होगा। नाउ सेकेंड, इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। एन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी ज्वाइंटली ओन बाय टू और मोर पार्टीज। इक्विटी ज्वाइंट वेंचर के अंदर क्या होगा, एग्रीमेंट होगा आपस में कंपनीज का, जो कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी है बट ज्वाइंटली जो है बिजनेस को रन अप करना चाहती हैं, और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो रन करेंगी दोनों पार्टीज बिजनेस को। द की ऑपरेटेड फैक्टर इन सच केस इज ज्वाइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी मे वेरी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, वेंचर कैपिटल फंड एटसेट्रा। ये जो है बिजनेस एंटिटी फॉर्म हो सकती है इनमें से कोई भी। देर इज एन एग्रीमेंट टू इधर क्रिएट ए न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इन टू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। इनमें जो एग्रीमेंट हो सकता है कि नई एंटिटी को जो है क्रिएट करना है, या पहले से जो है एंटिटी जो एग्जिस्ट कर रही है उसको ज्वाइन करना है। राइट स्टूडेंट, नाउ शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। थर्ड, शेयर मैनेजमेंट ऑफ द ज्वाइंटली ओन्ड एंटिटी, मैनेजमेंट को ज्वाइंटली जो रन अप करना। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, आपस में शेयर करना। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, कि प्रॉफिट और लॉसेस भी आपस में शेयर करना, जो एग्रीमेंट उनके अंदर ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट जो उनके हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेंगे। ए ज्वाइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बाय बोथ द पार्टीज। एक ज्वाइंट वेंचर होगा वो बेस्ड होगा जो पॉइंट मेमोरेंडम में राइट किए गए हैं, जिस मेमोरेंडम पर पार्टीज के साइन हो गए हैं उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो ज्वाइंट वेंचर बेस्ड होगा। एक जो कॉमन मोटिव होगा, किस टाइप से रन अप करेंगे बिजनेस, सब पॉइंट जो है मेमोरेंडम में राइट होंगे। हाईलाइट द बेसिस ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, और बेसिस भी उसमें नोट किया जाएगा ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट का। द टर्म शुड बी थ्रोली डिस्कस एंड नेगोशिएटेड टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस
कॉम्प्लिकेशंस एट ए लेटर स्टेज। ये जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर और एग्रीमेंट, ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि फ्यूचर में जो आपस में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो, जो उसकी जो बर्थ हो जाए मीन्स वो पैदा ना हो, और आपस में भी जो है डिस्प्यूट भी ना हो। नेगोशिएशन एंड टर्म्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल एंड लीगल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टी। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड लाइसेंस विल बी ऑब्टेन विद ए स्पेसिफाइड पीरियड। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ही ये बात जो है बिल्कुल पहले वेरीफाई हो जाती है, पहले सब ये पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो वर्किंग स्टार्ट होती है कि गवर्नमेंट अप्रूवल हो गई जॉइंट वेंचर को क्रिएट करने की, लाइसेंस की अगर नीड है तो वो ले लिया, तो सब जो एक स्पेसिफाइड पीरियड में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज कर लेनी है वो पूरी कर ली है, तब वो जॉइंट वेंचर को जो स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, नाउ कम टू द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बिजनेस कैन अचीव अनएक्सपेक्टेड गेन्स थ्रू जॉइंट वेंचर विद ए पार्टनर। जॉइंट वेंचर कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिट फॉर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। जॉइंट वेंचर बिजनेस के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड गेन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जॉइंट वेंचर जो वेंचर है उसके अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं दोनों पार्टीज को अचीव होते हैं, और एक्सट्रीमली बेनिफिट अचीव होते हैं। वन पार्टी जो है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स बन जाती है, ग्रोथ की जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं उनको, बट इज स्टिल लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम एंटरिंग इनटू ए जॉइंट वेंचर। कि एक जो पार्टी है, जो वन पार्टी है, वो उसके पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ग्रोथ पॉसिबिलिटी तो है, बट इन बेनिफिट्स को वो अचीव कर सकती है जॉइंट वेंचर के थ्रू। बिकॉज उससे क्या होता है, जब टू कंपनीज आपस में जो है मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उनकी जो है कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, रिसोर्सेज लार्ज हो जाते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट की जो सर्विस को वो यूज़ कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर एज ए फेलोज। फर्स्ट वन इज इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। Joining hands with another or teaming up aids to existing resources and capacity, enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently। कि जब two business organization एक team के रूप में joint hands करती हैं, मिलकर जो resource जो अपने combine करती हैं और joint venture की form में business जो है रनअप करती है, तो वो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो करता है और क्विकली ग्रो करता है, एफिशिएंटली ग्रो करता है। द न्यू बिजनेस के पास जो अब उन्होंने फ्रेम किया, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते हैं कि वो मार्केट के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल में मार्केट जो है के अंदर जो कॉम्पिटिट कर सकती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी का भी बेनिफिट उठा सकती हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी मीन्स जो मार्केट के अंदर अवेल हो रही हैं उनको भी जो है बेनिफिट्स को उठा सकती हैं। नेक्स्ट, एसेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कि जॉइंट वेंचर बिजनेस एंटर इन टू ए जॉइंट वेंचर विद ए पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी जॉइंट वेंचर बिजनेस करेगी फोन कंट्री के साथ, तो क्या होगा, इट ओपन्स अप ए वास्ट ग्रोइंग मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, वेन फोन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर कंपनी इन इंडिया, दे गेन एसेस टू द वेस्ट इंडियन मार्केट। कि जब इस टाइप का बिजनेस करेंगे तो इंडियन मार्केट क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी, जो प्रोडक्ट होंगे वो सैचुरेशन पॉइंट मीन्स अपर स्टेज तक पहुंच जाएंगे, कि उस पॉइंट पर क्या होगा, प्रॉफिट बिजनेस को जो है हाई लेवल के अचीव होंगे, मार्केट इजली जो कॉम्पिटिट कर सकेगी, बिजनेस इजली अचीव कर लेगा मार्केट की जो शेयर को, और ज़्यादा मार्केट शेयर अचीव करेगा क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को अब ईजिली जो सेल कर पाएंगे। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेजेस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट इज रिटेल आउटलेट्स इन डिफरेंट लोकल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन कंपनी फोन कंपनी के साथ जो जॉइंट वेंचर है,
तो क्या होगा, अब फोन कंट्रीज में भी प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो फोन कंट्री के जो पर्सन मेंबर्स हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट से वेल नोन है। अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में सेल करना है तो इंडियन जो मेंबर्स हैं इंडियन प्रोडक्ट से वेल नोन है, इंडियन मार्केट से वेल नोन है, तो ईजिली जो सेल होगी। लोकल मार्केट में जो रिटेल बिजनेस का बेनिफिट उठाया जाता है तो इनको जो रिटेल अपॉइंट नहीं करने पड़ेंगे, ये खुद ही रिटेल का जो वर्क करेंगे और मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्ट ईजिली जो सेल किया जा सकता है। अदरवाइज एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रिटेल आउटलेट्स में प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर ये इस टाइप की जॉइंट वेंचर नहीं करती तो इन्हें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अगर फोन मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या इन्हें रिटेलर ढूंढने पड़ेंगे। इसी टाइप से अगर फ़ोन जो कोलैबोरेशंस कंपनी कर रही है तो वो अगर इंडिया में प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है तो इंडियन के रिटेलर ढूंढने पड़ेंगे। तो अब ये जो है इनकी जो वीकनेस है वो जो ठीक हो जाती है जॉइंट वेंचर के थ्रू, कि इनका जो रिटेल का एक्सपेंस है वो सेव हो जाता है और अदरवाइज जो रिटेल एक्सपेंसेस काफ़ी हाई होता। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, एसेस टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी इज मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। टेक्नोलॉजी एक मेजर फैक्टर है जो बिजनेस जो मैंने वो एंटर हो रहे हैं एक जॉइंट वेंचर को फ्रेम कर रहे हैं। न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम, कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ की जाएगी तो क्वालिटी जो प्रोडक्ट की होगी वो सुपीरियर होगी, लॉट ऑफ टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, इन्वेस्टमेंट जो होगी, और जिससे क्या है कि अपनी जो है न्यू टेक्नोलॉजी उन्हें डेवलप करने की नीड नहीं होगी। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एड्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थस लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट। और टेक्नोलॉजी से जब हम वेल टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी, वर्क में इफेक्टिवनेस आएगा। एफिशिएंसी मींस कि वर्क कंप्लीट होगा ऑन टाइम और लो कॉस्ट पर कंप्लीट होगा, और इफेक्टिवनेस वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो दोनों बेनिफिट उठाए जाएंगे और कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी जब इस टाइप का टेक्नोलॉजी जो है बेनिफिट होगा इन जॉइंट वेंचर के अंदर। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, इनोवेशंस। द मार्केट आर इंक्रीजिंगली बिकम मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। मार्केट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट जो है नया है, या वो इनोवेटिव मीन्स पहले वाले प्रोडक्ट में कुछ न्यू किया है, तो जॉइंट वेंचर के अंदर बिजनेस क्या होगा, वो मार्केट शेयर जो है इंक्रीज होगा। सम टाइम न्यू एंड क्रिएटिंग फॉर सेम मार्केट, नई मार्केट भी बन जाती है। फोन जो पार्टनर कैन कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो जॉइंट वेंचर के अंदर जब फोन पार्टनर जो इन्वॉल्व होंगे तो उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, क्योंकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आएंगे, नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी ले इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन इंटरनेशनल मार्केट में जो है कॉरपोरेशन जो है होगा तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, द बेनिफिट इमेंस ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका बेनिफिट क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो लो कॉस्ट में बनेगा। राइट स्टूडेंट? लो कॉस्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इम्प्रूव होगी और ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी की जा सकती है। इंडिया इज़ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल सोर्स एंड एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव इन मैनी प्रोडक्ट्स। इंडिया आज इम्पोर्टेंट ग्लोबल सोर्स है क्योंकि वो कई प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव जो स्टेज पर है। देर आर मैनी रीजन फॉर दिस, पर इसके कई रीजन हैं। लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर, हमारे यहाँ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाता है। टेक्निकल क्वालिफाइड वर्क फोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक्सीलेंट मैन पावर इन डिफरेंट कैडर्स, अलग अलग जगह पे जब इस टाइप का जॉइंट वेंचर किया जाता है तो अलग अलग जगह की वर्क फोर्स जब कंबाइन वर्क करती है एक्सीलेंट वर्क होगा। राइट? अलग अलग जो है लॉयर्स चार्टेड अकाउंटेंट इंजीनियरिंग साइंटिस्ट सब मिलते हैं। द इंटरनेशनल पार्टनर थस गेट्स अ प्रोडक्ट
of required quality and specification at a low, much low cost. International market जो partner है उनको product मिल जाता है quality product, और उसके अंदर जो वो सारी specification होती है और जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स में होनी चाहिए, और लोएस्ट कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चर, बट इज़ प्रिवेलिंग इन दी होम कंट्री एज कंपैरिजन, जो अगर होम कंट्री के अंदर जो कंट्री में प्रिवेल कर रहा है प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में. राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ब्रांड नेम. व्हेन टू बिजनेस एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिट फ्रॉम दी अदर्स गुडविल. एक पार्टी दूसरे का बेनिफिट अचीव करती है. अगर एक पार्टी है उसका नेम फेम है तो दूसरी पार्टीज को अपने आप वो नेम फेम मिल जाता है. ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश है पहले से मार्केट में उसका नेम फेम है और उसका बेनिफिट दूसरी जो है पार्टीज को भी इजली अचीव हो जाता है. इफ़ द जॉइंट वेंचर इज इन इंडिया एंड विद इन इंडियन कंपनी, द इंडियन कंपनी डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी इन डेवलपिंग ए ब्रांड नेम. कि अगर जॉइंट वेंचर हुआ है इंडिया में इंडियन कंपनी के साथ तो इंडियन कंपनी को क्या स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी मनी ब्रांड बनाने में, अपना नेम फेम बनाने में, प्रोडक्ट का जो पब्लिश करने में, प्रोडक्ट को सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. रेडी मार्केट उसकी वेटिंग में होगी कि प्रोडक्ट लॉन्च ईजिली किया जा सकता है क्योंकि मार्केट पहले से ही रेडी होगी, प्रोडक्ट ईजिली लॉन्च किया जा सकता है. ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेव इन दिस प्रोसेस. अगर जॉइंट वेंचर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी जो सेविंग होती है, क्योंकि अदरवाइज ये जो काम एक पर्सनल लेवल पर करने पड़ेंगे, हर कंपनीज को अलग लेवल पर करने पड़ेंगे, तो इट्स मोर एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट जो है, लार्ज नीडिड अमाउंट. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो अमाउंट है वो यहाँ पर सेव हो जाती है जब जॉइंट वेंचर फॉलोअप किया जाता है. राइट स्टूडेंट, दीज ऑल आर अबाउट दी जॉइंट वेंचर्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, फर्स्ट मीनिंग एंड देन टाइप्स एंड देन बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर. कि हमने जॉइंट वेंचर के बेनिफिट क्या किया था, कि अगर जॉइंट वेंचर अगर होगा तो ओवरसीज मार्केट में ईजी एसेस होगी, रिस्क मिनिमाइज होगा, टेक्नोलॉजी बेनिफिट अचीव होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में रिडक्शन आएगी और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. राइट स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर द वीडियो, लाइक ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग फास्ट अपडेट्स. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.